गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, नाउ दिस इज द चैप्टर नंबर 11, गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर। हैबिट्स का मतलब होता है कि हमें अच्छे आदर कहाँ से आने चाहिए, ठीक है ना। और गुड मैनर्स का मतलब होता है अच्छे शिष्टाचार, अच्छे आदर और अच्छे शिष्टाचार। इस चैप्टर में हम यही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। देखो, मीरा इज स्टैंडिंग इन द क्वीन वेटिंग फॉर हर बस। जो मीना है वो अपनी लाइन में खड़ी हुई है और वो क्या कर रही है, वेट कर रही है बस का, ठीक है। उसके बाद जो स्कूल द स्कूल बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप सडनली अनु पुशेस मीरा एंड गेट इन टू द बस, मीरा फॉल एंड गेट हर्ट। उसके बाद क्या होता है, जो बस है हमारी वो हमारे स्टॉप पर आती है, रुकती है। सडनली क्या होता है, अनु जल्दी जल्दी के चक्कर में मीना को धक्का लग जाता है, उसको पुश कर देती है, धक्का लग जाता है, ठीक है ना। और जो मीरा होती है उसको क्या होता है, लग जाती है, वो गिरती तो नहीं है बट उसके लग जाती है, ठीक है ना। और वो गिर भी पड़ती है। उसके बाद अनु मदर्स हेल्प हर टू गेट इन टू द बसेस। जो अनु की मदर है वो क्या करती है, उसकी हेल्प करती है, उसे बस में चढ़ा देती है। अनु मदर्स, अनु की जो मदर है, अनु से सॉरी टू मीरा, वो अनु को बोलती है कि तुम मीरा को सॉरी बोलो। अनु, बट मॉम वाई शुड आई से सॉरी, मेरे को क्यों बोलना चाहिए सॉरी। तो अनु मदर्स, यू पुश हर वैन यू मेक अ मिस्टेक और हर्ट समवन, यू मस्ट से सॉरी। जब आप किसी को पुश कर देते हो, धक्का मार देते हो या गलती से लग जाते हो, तो आप उसके अगर लग जाते हो, उसको बाय मिस्टेक हर्ट हुआ या किसी भी वजह से हो गया, तो आपको सॉरी बोलना चाहिए। अनु, सॉरी मेरा, आई विल नॉट डू इट अगेन। उसके मैं ये दोबारा नहीं करूंगी, ठीक है ना, दोबारा नहीं होगा मुझसे मेरा, इट्स ओके। द स्कूल बस रिचेज द स्कूल, जो बस स्कूल की बस है वो स्कूल में पहुंच जाती है। मीरा, प्लीज हेल्प मी टू गेट डाउन फ्रॉम द बस, मुझे मेरी हेल्प कर दो मुझे बस से उतारने में। अनु, होल्ड माई हैंड टाइटली एंड गेट डाउन स्लोली। अनु, आप अनु बोलती है कि आप मेरा हाथ पकड़ लो टाइट से और फिर धीरे धीरे आओ। तो मीरा थैंक यू, उसे थैंक यू बोलती है। अनु, यू आर वेलकम। वी शुड हैव गुड हैबिट्स टू हेल्दी, हमें अच्छी आदतें सीखनी चाहिए, हमें अच्छा एनवायरनमेंट और अपनी अच्छी हेल्थ के लिए। गुड हैबिट्स मेक अस लाइक्ड बाय एनीवन, जो गुड हैबिट्स होती हैं जिनके अंदर उनको हर कोई पसंद करता है। गुड हैबिट्स, सम गुड हैबिट्स फॉर द गुड हेल्थ आर एस फॉलो, कुछ गुड हैबिट्स हमारी ऐसी होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज डेली, हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें सुबह और रात में सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए और खाना खाने के बाद में ब्रश करना चाहिए, मतलब रात के खाना खाने के बाद और सोने से पहले। सुबह तो हम करते हैं, टेक अ बाथ डेली इन द मॉर्निंग, हमें दिन में हमें सुबह जल्दी उठकर नहा लेना चाहिए, हमें शैम्पू करना चाहिए, कॉम करना चाहिए योर हेयर आफ्टर मेकिंग अ बाथ, मतलब हमें शैम्पू करना चाहिए और कॉम करना चाहिए, ठीक है ना। जब हम अपने बाल धुल लें उसके बाद हमें शैम्पू और हमें कॉम करना चाहिए, शैम्पू एंड कॉम योर हेयर आफ्टर टेकिंग अ बाथ, ठीक है ना। उसके बाद कीप योर नेल ईयर एंड नोज क्लीन, हमें हमेशा अपनी नाक कान और नाखूनों को साफ रखना चाहिए, ठीक है। क्लास फाइनली आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, ठीक है। बाय बाय।